ਕੇਸ ਮੈਂ ਲਾਵਾ ਉਡਾਰੀ। ਓ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਕਿੱਥੇ ਵੋ ਕਿਆ ਮਤਲਬ ਮਤਲਬ ਅਰੇ ਵੋ ਮੁਝੇ ਵਹਾਂ ਸੇ ਸਪਰੇ ਚਾਹੀਏ ਥਾ। ਹਾਂ ਤੋ ਮੁਝੇ ਬੋਲੋ ਨਾ ਮੈਂ ਹੂੰ ਨਾ ਯੇ ਪਕੜੋ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਰੁਕੋ ਯੇ ਲਗਾਓ ਆਰਾਮ ਸੇ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਯੇ ਪਕੜੋ। आज तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मुझे बोलो, तुम बेड से नहीं हिलोगी। ओके, डॉक्टर ने मना किया ना तुम्हें, दो तीन दिन तक झटके से नहीं उठना है, और आज तो बिल्कुल नहीं उठना है। डॉक्टर ने ये भी बोला है कि साफ सफाई नहीं करनी है, गुस्सा नहीं करना, और ये भी बोला कि फतेह से तो बिल्कुल ही नहीं उठना। अच्छा? और डॉक्टर ने ये नहीं बोला कि नहाने के बाद बाथरूम में वाइपर कैसे लगाना है? यार तो जो अच्छा मैं तुम्हारे पैर पकड़ लूं। अरे नहीं 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 सॉरी। अच्छा ये खाने के बाद लगाता हूँ, चलो खाना खा लो पहले। सॉरी तेजा। अब सॉरी क्यों? नहीं यार, मैं इतनी बार सॉरी बोल चुका हूँ, बट मुझे अब समझ आ रहा है कि तुम मुझे टोकती क्यों हो। दसो, मतलब अब तुम्हें समझाने के लिए मुझे हर बारी चोट खानी पड़ेगी? ओ, नहीं नहीं, I'm really sorry. I promise, आज के बाद मैं तुम्हारी सारी बातें सुनूंगा और तुमसे लड़ूंगा भी नहीं। पक्का? पक्का, आई प्रोमिस। पक्का प्रोमिस। प्रॉमिस करते जो कि तू मेरी मदद करेगी। खिप्पी बोल रहा था कि एक शर्त पे रिश्ता वापस जोड़ सकता है। फतेह और मुझसे आमने सामने बैठ के बात करना चाहता है। चलो खाना तो हो गया, दवाई कहाँ रखी है तुम्हारी? फतेह, वो मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी ना। ओ हाँ राइट, ओ उस टाइम पे पापा ने बुला लिया, फिर ये मौका ही नहीं मिला। हाँ बोलो। मैं जानती हूँ कि हमने डिसाइड किया था कि हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन पर ये बात उसी की, वो कॉलेज में मिली थी मुझे और तुमने उसे माफ कर दिया। फतेह, बहन है वो मेरी, और बात अभी माफ करने की नहीं है। मैं बस चाहती हूँ कि वो खुश रहे, पर एक प्रॉब्लम है, किप्पे चाहता है कि वो तुमसे मिले एक बार। जब तक तुम किप्पे से नहीं मिलोगे, उनकी बात आगे नहीं बढ़ेगी। बात आगे क्यों नहीं बढ़ पाएगी? मिल तो चुका हूँ फतेह से दो बार। ले, ये मिलना भी कोई मिलना होता है? एक कॉफी शॉप के बाहर दिख गया तो हाय हेलो ओके बाय, और एक्सीडेंट हो गया तो सॉरी 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 सॉरी। और वैसे भी तुम ही तो कह रहे थे ना कि मुझे तसल्ली करनी है कि फतेह और तुम्हारे बीच में कुछ है तो नहीं। अब करो तसल्ली। पापा, मुझे हो गई है तसल्ली। उस दिन कॉफी शॉप में मैं सब समझ गया। फतेह तेजो को बहुत प्यार करता है, बहुत केयर करता है वो उसकी। तुमने सुना नहीं उस दिन उसने क्या कहा था? तो तेजो जी, ये है आपके बेटर हाफ। नो, शी इज माय बेस्ट हाफ। समझे? तेजो, तुम क्यों उसकी तरफदारी कर रही हो? आई अंडरस्टैंड, वो तुम्हारी बहन है, ये अपना अपन निभाना है, तुम निभाओ ना, मुझे क्यों घसीट रही हो यार इसमें? आई डोंट केयर अबाउट हर। ये जो डिमांड उसने रखी है तो बिल्कुल ही नाजायज है। ये डिमांड उसकी नहीं है, किप्पी की डिमांड है। मुझे नहीं मिलना अब उससे। मिलना पड़ेगा। Excuse me? अब नहीं किप्पी, वो मेरा मतलब है बात तो करनी पड़ेगी ना, मैं बाद में ना कोई प्रॉब्लम नहीं चाहती, इसलिए मुझे तो ना बस एक ही चीज की फिक्र होती है। फिक्र? कैसी फिक्र? एक तरफा प्यार को बुलाना बहुत मुश्किल होता है। मतलब? मतलब फतेह मुझसे बहुत प्यार करता था, अपनी जान से भी ज्यादा, लेकिन मैं बेचारा दिन रात मुझे बस आई लव यू आई लव यू आई लव यू बोलता रहता था, लेकिन मैंने उसे एक बार भी आई लव यू टू नहीं बोला। पता है क्यों? क्योंकि मुझे लगता है प्यार तो शादी के बाद ही होता है ना, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है पता नहीं क्यों कि फतेह नाटक कर रहा है,
तेजो के सामने अच्छा बनने का, मुझे दिखाने के लिए? अब तुम समझ रहे हो ना, और हो सकता है कि आगे चल के वो हमें कोई प्रॉब्लम दे। That way. हाँ। फिर तो मुझे उससे मिलना ही पड़ेगा। क्या? क्या? लेकिन सिर्फ तुम्हारी तसल्ली के लिए, अदरवाइज मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे भी हमें कौन सा यहाँ रहना है? हाँ, how sweet. इसका मतलब है तुम पक्का फतेह से मिलोगे ना? चलो। इसे तो मना लिया, बस अब तेजो भी फतेह को मना ले। फतेह प्लीज, बस एक बार मिल लो। तुम एक बार मिल लिए ना तो गिप्पी को यकीन हो जाएगा कि तुम मूव ऑन कर चुके हो। और यार मैं किसी को क्यों यकीन दिलाऊं कि मैं मूव ऑन हो चुका हूं? और ये अपनी बहन को बोला अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करे, यार मैं नहीं कर सकता इसको कुछ। पता है वो बेचारी तो ऑलरेडी टेंशन में है। तो उस बेचारी को तब सोचना चाहिए था ना जब उसने शादी तोड़ी थी। मुझे नहीं मिलना किसी गिप्पी गुप्पी से, ये तुम्हारी बहन की प्रॉब्लम है, वो खुद सॉल्व करेगी। यू आर राइट, ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है। डोंट वरी, मैं उसे कह दूंगी कि अपना ये प्रॉब्लम खुद सॉल्व करे। और कब तक तुम या मैं उसके लिए खड़े रहेंगे? तुम बस अपनी कमर का ध्यान रखो, बिल्ली बातों के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, लो मैं पानी लेके आता हूं। तुम दोनों बहनों में बात-बात होती है कॉलेज में क्या? नहीं, या अभी तक वो नाराज है तेरे से? ओफो बेबे, आप कैसी बातें करते हो? अरे तेजो बहन है मेरी, हाँ थोड़ी नाराज है, पर मुझे पता है मैंने उसको मना ही लेना है। जसू दीदी, हाँ? फोन आ रहा है, गिप्पी जीजू का वीडियो कॉल। अभी वो तेरा जीजू बना नहीं है। ब्यूटीफुल, कितने फोन किए तुम्हें? कहाँ थी तुम? अरे मैं वो ना, रुको एक सेकंड। चलो परजाई जी, कम से कम दोनों की अच्छे से बात तो हो रही है ना, सब ड्रामे हैं इसके। अच्छा एक बात बताओ, वो पता है और मेरी मीटिंग फिक्स हुई? नहीं गिप्पी, वो मेरी ना तेजो से बात हुई थी, वो बता रही थी कि फतेह एकेडमी के काम में थोड़ा सा बिजी है तो। अच्छा तो मैं यहाँ फ्री बैठा हूँ, उससे बोलो जल्दी मिलना है तो ठीक है वरना। अरे नहीं है की गल, वैसे मैं देख रही हूँ तुम बड़े एक्साइटेड हो फतेह से मिलने के लिए। ओह हेलो, फतेह से मिलने की जल्दी नहीं है, हमारी शादी की जल्दी है, उसके बाद हनीमून की भी तो प्लानिंग करनी है। हेलो बेब्स, माँ दे पुत्र, मेरे पास यही काम रह गया, अब तेरे साथ हनीमून मनाओ। सॉरी सॉरी गिप्पी, वो फोन गिर गया था। ओके अच्छा गिप्पी, मैंने तो मैं बाद में कॉल करती हूँ, वो तेजो का कॉल आ रहा है। ओके ओके ओके, हाय तेजो, कैसी है यार? मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? बिल्कुल ठीक। अच्छा तेरी फतेह से बात हुई? जैस्मिन, मैंने तुझे कहा था ना कि मैं फतेह को फोर्स नहीं कर सकती, तुझे प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व करनी होगी। और मैं कब तक तेरे साथ खड़ी रहूंगी? अरे तेजो, मैं इतना ट्राई कर तो रही हूँ पर मैं तो परेशान ही हो गई हूँ, अब वो बंदा एक ही बात पे अड़ गया तो मैं क्या कर सकती हूँ, तू बता। अगर तू गिप्पी को कन्विंस नहीं कर पा रही है तो मैं मम्मी पापा से बात कर लेती हूँ ना, घर के बड़े अगर उससे बात करेंगे तो थोड़ा समझेगा वो, और उसे यकीन भी हो जाएगा कि तेरे और फतेह के बीच में कुछ भी नहीं है। ओह नहीं यार तेजो, इससे तो और बात बिगड़ जानी है। तू ना गिप्पी को जानती नहीं है, और कुछ का कुछ हो गया ना तो और बड़ी दिक्कत हो जानी है। अब मैं उससे फिर से बात करती हूँ। हाँ ये ठीक कह रही है तू। क्या हुआ तेजो, ठीक है तू? हाँ मैं ठीक हूँ, सुबह बाथरूम में पैर स्लिप हो गया था। क्या? थोड़ा कमर में दर्द है।
कैसे? कोई है वहाँ पे तेरे साथ अभी तेरा ध्यान रखने के लिए? वो मैं, अरे तेजो तेरा ना हर बार का यही है, कहीं भी गिर जाती कुछ भी हो जाता फिर बताती भी नहीं है, तू रुक मैं वहीं आ रही हूँ। जस्सू मेरी बात तो सुन, सुबह से फतेह मेरे साथ ही है, अच्छे से ध्यान रख रहा है, डोंट वरी। जस्सू एक बात और, मम्मी पापा को मेरी चोट के बारे में मत बताना, वो ऑलरेडी परेशान है, और परेशान हो जाने। मैंने जस्सू को मना तो कर दिया, लेकिन अगर फतेह एक बार गिप्पी से मिल लेता ना तो सब ठीक हो जाता, और गिप्पी नहीं माना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं फतेह को कैसे मनाऊं? पंजाब के बेस्ट कोचेस हमने हायर किए, पीपीटी मैं आपको भेज ही दूंगा, बाकी हमारे डिटेल लेआउट और प्लान्स तो आप देख ही चुके हैं, आई होप आपको पसंद आए होंगे। एब्सोल्युटली, आई मस्ट से फतेह तुम्हारा प्लान बहुत अच्छा है। थैंक यू, थैंक यू। कहा भी ताशा दान को कि रेस्ट करना, फिर भी आ गई। हाय फतेह। हाय, ये तेजो है, शी इज माय, एक्सक्यूज मी, या आई एम इन मीटिंग, विल कॉल यू बैक। हां, जो मेन गोल है वो है पंजाब के स्पोर्ट्समैन को एक ऐसी एकेडमी देना जो हर मायने में परफेक्ट हो, क्योंकि हमने चाहते कि कोई भी अपने सपनों की उड़ारिया भरने से पहले फीस या एक्सपोजर के बारे में सोचे। हमारा मानना है कि अगर यूथ आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। I'm sorry, what's your name? Tejo. Tejo, wow, बहुत अच्छा नाम है। Listen, Tejo, ये तो होगी काम की बात, मैं ना पिंड आया हूँ पहली बार एंड मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, मैं चाहता हूँ तुम मुझे अपना पूरा पिंड दिखाओ, और पिंड देखने के साथ साथ काम की बात भी हो जाएगी। तेजो, डन। तुम घर जाके रेस्ट करो और दवाई ले लेना यहाँ से, और तेजो जी एक सेकंड, चले आपको पिंड देखना है ना, मेरा छोटा भाई अमरीका आपको दिखा देगा। तो तेजो, अरे इट्स ओके, कम तेजो, तुम जाओ। लैपटॉप में ये मैं ले आऊंगा। आई मस्ट से फतेह, शी इज वेरी ब्राइट गर्ल, आई नो दैट। कब से काम कर रही तुम्हारे लिए? शायद आपका इंट्रोडक्शन नहीं हुआ, दैट्स माय वाइफ तेजो विर्क, वो मेरे लिए नहीं मेरे साथ काम करती है, शी इज माय पार्टनर इन दिस एकेडमी एंड माय लाइफ टू। ओह आई एम सॉरी यार, दैट्स ओके, बट तुम्हारी टीम बहुत स्ट्रांग है यार, आई नो, रियली अप्रिशिएट यार। जैस्मिन, हेलो। हाय तेजो, कैसी है तू? ठीक हूँ। तेरी कमर का दर्द कैसा है अब? पहले से बेटर है। ज्यादा काम वाम तो नहीं कर रही है ना तू? नहीं, तो ठीक है। मेरा तो बस एक ही काम है, घर पर तारने सुनना, मम्मी पापा को दुखी करना, बहुत थक गई हूँ यार मैं, बहुत अकेला सा फील कर रही हूँ। गिप्पी से कुछ बात हुई तेरी? नहीं, वो तो आजकल मुझसे बात भी ढंग से नहीं करता, बस एक ही चीज पूछता रहता है कि फतेह उससे मिलने को तैयार क्यों नहीं हो रहा। अब तू ही बता तेजो, मैं क्या कहूँ उसको?
खैर तू ये सब छोड़, मैं वैसे भी तुझे बहुत परेशान कर चुकी हूँ, तू अपना ध्यान रख, बाय। भाभी आप खा लो ना, फतेहवीर जी ने मुझे पहले फोन करके बोल दिया था कि वो लेट आएंगे, उन्होंने ही मुझे आपको खाना खिलाने की ड्यूटी दी है। नहीं माही, लंच तो मैं फतेह के साथ ही करूंगी, हमेशा साथ में खाते हैं ना तो आदत ही पड़ गई। लेकिन भाभी मेडिसिन? डोंट वरी माही, आई एम मच बेटर नाउ। हाय, अब मच बेटर तो फील हो गई ना, ये आजकल हस्बैंड और ननद आगे पीछे चक्कर जो काट रहे हैं। वैसे सोचने वाली बात है, इतनी जोर से गिरी है तू, फिर भी तेरा हाल पूछने कोई नहीं आया तेरे पेके से। अब कहाँ है तेरी बहन? अब नहीं आई तेरा हाल पूछने। वैसे तो आनी बहानी यहाँ टपक की पड़ती थी बेशर्मी के साथ। माची, माची, एक्चुअली मैंने उन्हें नहीं बताया। अब जितनी बड़ी बात नहीं है, उससे कहीं ज्यादा बड़ी वो टेंशन ले लेते। क्यों? आजकल इतने बिजी हो गए हैं क्या वो जैस्मिन के रिश्ते के लिए? वैसे उड़ती उड़ती बात तो पहुंच गई है मुझ तक कि आजकल जैस्मिन की उस कनेडे वाले लड़के के साथ रिश्ते की बात चल रही है। अच्छा एक बात बता, इस बार ये रिश्ता पक्का हो जाएगा कि पहले की तरह रिश्ता छोड़ के भाग जाएगी वो? हाँ बता तो सही। नहीं माची, एक्चुअली वो कुछ प्रॉब्लम। हाँ हाँ प्रॉब्लम तो आएंगी भाई, जो लड़की खुद ही प्रॉब्लम है उसकी शादी में तो प्रॉब्लम आनी हुई ना। मुंह तो लाई लोई, की करेगा कोई, मिठा ज्यादा हो गया, बादाम तो है ही नहीं। भाभी आप ना माची की बातों को इस कान से सुन के उस कान से निकाल दिया करो, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल जाती हैं ये, आप बुरा मत मान। बुरा तो मुझे बहुत लग रहा है माही, अपनी बहन को ऐसी मुश्किल में देखकर। वैसे भाभी डोंट माइंड, बट आप जैस्मिन की शादी कराने के लिए कुछ भी कर सकते हो ना तो करो, जितनी जल्दी उसकी शादी होगी उतनी जल्दी वो यहाँ से और वीडियो और आपकी लाइफ से निकलेगी। वो कहते हैं ना जो आंखों के सामने नहीं वो दिल और दिमाग में भी नहीं, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। आई नो माही, चाहती तो मैं भी ये हूँ कि वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़े, और अगर वो शादी करके कनाडा चली जाती है तो जैस्मिन और फतेह दोनों शायद अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं।